जगदम्बा नवयुवक मंडल के बैनर तले चौहटन जगदम्बा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने रसमयी कथा का आनंद प्राप्त किया। बुधवार को भागवत कथा में वामन अवतार तक की कथा का वर्णन किया गया। कथावाचक अमित जोशी द्वारा संगीत में वाचन के दौरान श्रद्धालु झूमते नजर आए। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। जगदम्बा नवयुग मंडल के बैनर तले चौहटन जगदम्बा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने रसमयी कथा का आनंद प्राप्त किया। बुधवार को भागवत कथा में वामन अवतार तक की कथा का वर्णन किया गया। कथावाचक अमित जोशी द्वारा संगीत में वाचन के दौरान श्रद्धालु झूमते नजर आए। बुधवार को अध्याय में परीक्षित का अनशन व्रत, सुखदेव मुनि के मुक्ति संबंधी प्रश्न, भीष्मचरित्र, देवहूति कपिल संवाद, राजा पृथु का चरित्र, वराह अवतार और आदि कथाओं के माध्यम से समाज में आधुनिकता से फैले पाश्चात्य अनुकरण को न मानकर वैदिक रूप से सादा जीवन जीने, अपने मन को भोगों से दूर रहकर योग के मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए भगवान की भक्ति करने की बात कही गई। वहीं शारीरिक मानसिक पवित्रता को धारण करते हुए जीवन में अनुशासन को बनाए रखें, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, इसलिए खान पान में शुद्धि की अति आवश्यकता है। और जो विषय है वे मार्ग है, तो विवेक रूपी बुद्धि इस रथ का सारथी है। इस अवसर पर लेखराज खत्री, छोगालाल जोशी, रणजीत सिंह, उत्तम सिंह, तीर्थ राखेचा, हंसराज सिंघवी, मनोहर सिंह, ओम महेश्वरी, ललित सिंह सहित अनेकों प्रभु भक्त शामिल हुए।